बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करती हूँ स्टिचिंग क्लास में। और आज आप देख रहे हैं स्टिचिंग स्किल्स विद शगुफ्ता। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको कमीज़ का जो बैक है उसका मगजी, जो बैक की होती है ना, गले के बैक की मगजी, वो लगाना सिखा रही हूँ। उसके लिए आपने ये कपड़ा लेना है और उसको रेप शक्ल में प्रेस लगा देनी है। ये देखिए, ऐसे इसको करके और ये रेब कपड़ा काट लेना है। ये हमने रेब कपड़े की कटाई कर ली। अब हमने जो कमीज का गला है बैक वाला, वो काटना है। ये आपने यहाँ अपने पास कमीज का बैक रखा, कंधों वाली साइड से ऐसे करके इसको रखा, और जो हमने गला तैयार किया होगा फ्रंट साइड कमीज की, वो इसके साथ ऐसे रख दिया। ऐसे इसके साथ रख के यहाँ से आपने इसका निशान लगाना है। यहाँ से सिलाई का हक रख के यहाँ पे निशान लगाया, और इधर से हमने गहरा जो है वो 2.5 इंच करना है। गले के हिसाब से होता है, किसी का गला बड़ा कोई पसंद पीछे से करता है, कोई कम पसंद करता है। ये मैं आपको एक नॉर्मल जो साइज है वो बता रही हूँ। यहाँ से आपने इसकी कटाई कर ली। ये देखिए, ये हमारा पिछला गला जो है मगजी लगने के लिए तैयार हो गया। अब हम इसको उठाएंगे ऐसे, और ऐसे करके इसके पीछे ये वाली मगजी लगा देंगे। मगजी लगाने के लिए भी ये देखें, ऐसे हमने लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे सिलाई लगाई, थोड़ा जूम करके दिखाएं, और यहाँ से आगे आपने मगजी रख देनी है जो हमने काटी हुई होगी। इतना पैर जो हमने ये सिलाई का हक रखा है ना पैर का, उतने ही ये यहाँ पे रख के बाकी दूसरी इधर को यहाँ से बराबर हो। इधर से आप जितनी चौड़ी है वो इधर बाकी नजर आएगी, यहाँ से हमने इस मगजी को बराबर कर लेना है। करने के बाद जहाँ पे हमारा ये कमीज के गले का जो है बुकरम खत्म हो रहा है, वहां पे आपने ये इसको नोक इसकी रोक के, और यहाँ से हमने इसको गोल घुमा देना है। जहाँ पे बुकरम खत्म हो रहा है गले का, अगले वाले का, वहां तक हम लेके आएंगे टांका, और उसके बाद यहाँ से हम इसको गोल लगाना शुरू कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से सीधे हम सिलाई लगे के आएंगे, और यहाँ पे हमने मगजी को रख दिया। जहाँ पे गले का बुकरम पूरा होता है वहां तक टांका लगाने के बाद इसको गोल घुमाना शुरू कर देंगे। और खींचना नहीं है मगजी को, जो कमीज का दूसरा था गला दूसरी साइड का, वो इसके नीचे यहां रख देंगे। ये देखिए, ऐसे लगा दी सिलाई। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसकी बैक की मगजी लगा ली है। ये देखें, ये इसकी ये शक्ल बन जाती है। ये अंदर को चली गई है सिलाई इसकी, ये गुम हो गई है। अब हमने इसको हल्के हाथ से यहाँ पे टांके लगा के एक कट लगाने हैं छोटे छोटे, ताकि ये हमारा गला जो है ना घूम जाए, इसमें खिंचाव ना आए, मगजी पीछे से बैठ जाए अच्छी तरह से, और इसको प्रेस करके तरपाई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको बैक अपनी जो मगजी लगाई है उसको सफाई कर ली है, और उसकी ये लुक आई है। ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरा सब्सक्राइब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।